welcome back to my new vlog. Today is 1st of December और अभी मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए. जस्ट स्कूटी पर बैग रखा है मैंने एंड निकल रही हूँ कॉलेज के लिए. आज है स्कल्पचर का डे. हमारे जो आर्ट का फील्ड है उसमें तीन फील्ड्स होते हैं, जैसे एक अप्लाइड का होता है और एक होता है पेंटिंग का और एक होता है स्कल्पचर का. तो आज पुतले बनाने हैं. ये फील्ड थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें फील्ड वर्क होता है, मिट्टियाँ निकालना, मिट्टियाँ खोदना, बनाना, फिर पुतले बनाना. थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट बट एक साल तो करना ही है. तो जा रहे हैं आज पुतले बनाते हैं, देखते क्या बनवाते हैं सर. लेट्स सी क्या होता है. फिलहाल तो निकलते हैं कॉलेज के लिए और ज़्यादा टाइम मुझे रास्ते से पिक करना है अपनी फ्रेंड को जो कि स्टेशन पर मुझे मिलेगी. स्टेशन के बगल में हम लोग रहते हैं तो स्टेशन पर मुझे मिलेगी और स्टेशन से फिर उसको पिक करके हम साथ में कॉलेज जाएंगे. तो मैं निकलती हूँ. जैसे उसके गले में पता नहीं क्या डाल दिया है. ये तो एलियन बना दिया भाई तूने. एलियन लग रहा है. रात में आ जा कोई भूत देख ले. कर ले एकदम तू एकदम कर ले. कोई लग रही है. कौन से आश्रम से है तू? कौन से आश्रम से है? नहीं मैं. कौन से आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है? कौन से आश्रम? तुम ही नाम दे दो, नामकरण कर दो. क्या नाम होना चाहिए इसके? स्पाइक्स वाला आश्रम. सद्भावना आश्रम. लेकिन बहुत अच्छा आश्रम वाला है ये. सिर्फ 12 रुपए लेता है. 12? और आप भूपेंद्र जी तो अलग ग्रुप में होंगे. पाउटी फेस. चलो ये हाथ खराब नहीं होने से. हाँ वैसे सर. और ये सीमेंट होगा ना तो हाथ तो हो जाते सर. तो खराब हो जाता है. ऐसा का होल बन रहा है. ये ऐसे बनते हैं. इसमें भी गांठ पड़ जाती है क्या? हाँ जैसे मैं बताया ना उसकी वैसे ही करो. एक भी वो बबल्स नहीं आएगा उसके अंदर. एक भी कटा रहा है क्या? स्नेहा भी करी, इजाबेला भी करी. जरूर करेगी. कल से ले आना कटोरा. काम आएगा. कल से अप्लाइड किए. हाँ यार कैसा लगता है? सृष्टि ऊपर देखिए. सृष्टि के बाल पीछे कर काट दो. उस तरह मार दो. ये तुम्हारा दोस्त है कुछ? हाँ कल हम लोग गए थे ना लाने. दीक्षा कह रही थी जाने के लिए गई वो. हाँ वो भी गई थी. उसने टूल नहीं लिए. टूल नहीं लिए उसने. उसका ये था कि मुझे 500 क्रॉस नहीं करना. तो उसने पता नहीं गई क्या लेने थी, लेके बहुत कुछ आ गई. आर्ट के स्टोर पे चले जाओ ना तो यही होता है. लाना कुछ होता है लेके कुछ आ जाता है. मम्मी को मम्मी वीडियो करना है. किसी और को कॉल किया था. मैं एक बार लेके गया था. तो फिर मत ब्रदर क्या कितना डालना है बे? बस 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 बहुत है. खोल के देखो एक बार. नहीं ये तो पतला हो जाएगा और डालना पड़ेगा. तो और कर लो. वीडियो स्टार्ट है. गाना लगा लेना. आवाज आ रही है. गाना लगाने की जरूरत नहीं है मुझे. ट्यून लगा देगी. देखते एक अभी एक से गिनती नहीं, पांच तो हो ही गए. नहीं ये आठ अबू है. आठ बोला था. बस बस इसको मैं बोल लेती हूँ. अच्छे से फील हो रहा है कि पतला ना हो जाए. नहीं हवा खाएगा कुछ हाथों से और फेंटना पड़ेगा ना तो गाढ़ा हो जाएगा. बाद में और डाल लेंगे. ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बस.
क्योंकि फिर उसमें गैस बन के छोड़ भी सकता है बीच में, है ना। गैस बन के मतलब ऐसा, मतलब ज्यादा गाढ़ा हो गया, पेस्ट ज्यादा गाढ़ा हो गया तो अपन डालेंगे कहीं रह जाता है अंदर से। हाँ चल चलते हैं। क्लास और अब मैं जा रही हूँ घर। जो हमारी कार्विंग के लिए शीट थी वो कार्विंग वाली शीट हमने बना ली है और सर ने बोला उसका उस पर काम हम घर जाके कर सकते हैं, तो उसे घर लेके जा रहे हैं। उसका काम आगे का घर जाके करूँगी। अभी मैं मेरी फ्रेंड रुचि का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएगी फिर निकलते हैं घर के लिए। आ जा मटकन, तेरी वीडियो बनाई है बताया मैंने उसकी। हाँ स्कल्पचर बनाते हुए तेरी वीडियो बनाई है मैंने। यहाँ पे आज बैग नहीं रख सकती यार मैं पकड़ लूंगी, चाहे ये पकड़ा दे चाहे ये जो भी ठीक लगे। ये ज्यादा भारी है एक्चुअली, सही बताऊं वो ज्यादा भारी है, बैग ज्यादा हल्का है। दोनों रख सकती है तू बीच में, ये रेंदे से वही रखी रेंदे क्या है ना इसके अंदर डाल। सो आई हैव रीच्ड होम और घर पे आके आज मेरे पास ढेर सारा काम है, बट पता नहीं कितना हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं कर रही हूँ कार्विंग, क्योंकि ये जो शीट है पीओपी की ये सूख जाएगी, कड़क हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर कोई काम नहीं होने वाला है। तो इससे पहले कि सूख जाए इसके ऊपर कार्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं कार्विंग कर रही हूँ और मैंने इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर, ये है कृष्णा जी, ये है राधा जी और पीछे थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉ किया है। तो इसको मैं कार्व कर रही हूँ फिलहाल, और वो भी इससे, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कार्विंग के टूल्स नहीं है तो मैं इससे कार्व कर रही हूँ, क्योंकि इससे बेटर तरीके से हो जाएगा। और देखते हैं कार्विंग के बाद ये कैसा लगता है, उसके बाद मैं इसे पेंट भी कर सकती हूँ। फिलहाल ये सूख जाए इससे पहले मैं इसे कार्व कर लेती हूँ। पूरा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ, पहली बार कर रही हूँ, आई डोंट नो कैसे होगा, तो मैं पूरा फोकस इस पर रखना चाहती हूँ। तो बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि कैसा जा रहा है प्रोसेस। सो यस्टरडे मेरा गला यार पूरा टाइम, यस्टरडे आई डिडंट कंप्लीटेड द व्लॉग, मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर में इतना कुछ होता नहीं है एक्टिविटी, तो मैं दो तीन दिन का हो सकता है कंबाइंड व्लॉग बना के ही डालूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, बाय गॉड मेरी एक इयरिंग निकल गई है, मैंने सिर्फ एक डाली हुई है कान में, एक कान खाली है एक कान में। नया फैशन, यो फैशन डिज़ाइनर बनूंगी आगे जाके, बहुत बढ़िया वाली। फैशन डिज़ाइनर्स ये नहीं करते ना, सॉरी माय फॉल्ट। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि इसको भी निकाल लेती हूँ, एक्चुअली नहीं रहने दो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पैलेट बना रही हूँ, रेजिन का पैलेट बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अपने काम के लिए बनाऊँ, एक मैंने ट्राई किया था वो बस ट्रायल वाला था, जो ये था यू कैन सी, वेट मैं शो, ये वाला जो पैलेट बनाया था मैंने, ये मैंने सबसे पहले बनाया था और ये सिर्फ ट्रायल के लिए था कि कैसा निकलता है। अभी मैं दूसरा पैलेट बना रही हूँ, जो कि मैं एक्चुअल में बना रही हूँ अपने पेज पे डालने के लिए, वो है ये वाला, और इसे मैं यूज़ भी करूँगी। अभी ये जस्ट मैंने बेस डाला है, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। ये मैंने वाइट कलर लिया है और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट लिया है, और इसको भी मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ, और यही काम है जो मैं आज कर रही हूँ फिलहाल। अभी टाइम हो रहा है 3:27 एंड मैं कॉलेज से आज जल्दी आ गई थी, क्योंकि अप्लाइड की क्लास थी, सर ने ज़्यादा कुछ करवाया नहीं, थोड़ा बहुत करवाया और बोला कि घर जा सकते हैं, तो मैं जल्दी आ गई कि घर पे आके थोड़ा काम कर लूँगी, क्योंकि चीज़ें हैं करने के लिए। इनफैक्ट ये वाली पेंटिंग जो है ये भी मुझे बनानी है, ये इनकम्प्लीट पड़ी है, सिर्फ आउटलाइन की हुई है मैंने और कुछ नहीं किया है। रेजिन का ये जो पैलेट बना रही हूँ ये भी मुझे कम्प्लीट करना है, और इसके अलावा ये जो पेंटिंग है इसके अलावा मेरी चार पेंटिंग कैनवस वाली और पेंडिंग है, वो भी मुझे कंप्लीट करनी है। कॉलेज का काम भी करना है, तो बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं कॉलेज में ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हूँ।
मेरे फ्रेंड सोचते होंगे कि मैं घर जाके क्या करती हूँ, बट काम है सो इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी कि कुछ है नहीं कॉलेज में करने के लिए, तो घर जाके काम ही कंप्लीट कर लो। तो फिलहाल तो मैं ये पैलेट वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब भी बन जाएगा देन आई विल शो यू कि ये कैसा बना है। और फिलहाल तो इट्स गोइंग ऑन, इसको ड्राई होने में भी टाइम लगता है। और इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी कि मैं और क्या क्या बनाती हूँ रेजिन का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रेजिन वाले पेज पे, उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको रेजिन के, जो सारी के सारे हैंडमेड है कम्प्लीटली और मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। उसकी लिंक जो इंस्टाग्राम की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड आप जाके ज़रूर एक बार चेक करना, यू विल लाइक इट। तो फिलहाल मैं ये कम्प्लीट कर लेती हूँ। जैसा कि आपने देखा मेरा पैलेट का काम कंप्लीट हो गया है, वीडियो भी मैंने डाल दी है, एंड अभी मैं पेंटिंग ही कर रही थी। आई जस्ट शो यू, ये पेंटिंग है जो अभी चालू है और कंप्लीट होने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। ये जो पेंटिंग है इसकी वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल है पेंटिंग का, उस पर डालती रहती हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितनी भी लिंक्स हैं मैं जहाँ भी जो भी काम करती हूँ सब मिल जाएगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड फिर से आएंगे नई वीडियो के साथ कुछ दिनों के बाद, एंड अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर टिल माई नेक्स्ट वीडियो।